guys, and welcome back to my new vlog. You can see here. ऐसे मत दिखा ये हमारा सुअर है और हम गेस्ट कहाँ जा रहे होंगे आज हम जा रहे हैं होली पार्टी में और आप हमारा अवतार देख सकते हैं। हम वही लोग हैं जो सिर्फ होली में नहाते हैं और कभी नहीं नहाते, और ये तो दो होली छोड़ के नहाते हैं। मैं तो एटलीस्ट होली में नहा लेती हूँ, ये होली में भी नहीं नहाती, ये दो होली छोड़ के नहाती है। आज हम वो वाली होली मनाएंगे, कौन सी? ये जवानी है दीवानी वाली होली, यू नो। हम वैसे वो पोचे वाले कपड़े पहनते हैं जो मम्मी ने पोचे के लिए रखे रहते हैं, पर आज हम सफेद कपड़े पहनेंगे। क्यों पिंकी? वी डोंट हैव एनी सफेद कपड़ा। पिंकी ने ये निकाला है, इट्स नॉट सफेद। पिछली होली में पहना था उसने दो धागे, इस होली में बस उसको यहाँ से काट दिया, क्रॉप बना दी। जुगाड़ गाइस, जुगाड़। मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने बहुत जगह सर्च करा क्योंकि मेरा बजट बहुत कम था। मुझे एक्सपेंसिव बजट सिर्फ 5,000 है गाइस। मुझे एक्सपेंसिव होली सेलिब्रेट करनी है बट मेरा बजट बहुत कम है। एक हयात रेजिडेंसी में हो रही थी, वो 1200 की थी, इट वॉज सो महंगी। फिर बाकी जो फंक्शंस हो रहे हो कल हो रहे, क्योंकि आज 24 है, कल 25 है, उसमें भी हमें नहीं जाना है। जाना तो क्यों नहीं है, पर आई डोंट नो। तो मैंने सोचा होली से एक दिन पहले हम सेलिब्रेट कर लेते, क्योंकि कल तो फैमिली के साथ करेंगे ना। हमने एक जगह ढूंढी है, हम आपके व्लॉग में दिखाएंगे। हमने टिकट भी बुक नहीं करे, हम वहीं जाके दिखाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमने सोचा हमारे साथ स्कैम हो गया, तो हमने टिकट बुक कराई है, वो ओरिजिनल नहीं हुआ। तो एक और चीज़ सोच रही हूँ मैं बैक ऑफ द माइंड में कि क्या पता मुझे वहाँ सस्ती पड़ जाए। यू नो मैं डिलुलु में जी रही हूँ, डिलुलु में। हम होली मनाएंगे, होली मनाएंगे बेटा। मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल दी, मैंने गुल्लक फोड़ी है, गुल्लक। पर मैं होली मनाएगा, और इसके बाद तो बिल्कुल भी पैसा नहीं। शी सिंह की मैं पे करूँ उसका, मैं गरीब हूँ। आज मैंने सफाई की गाइस, मैंने अपना पूरा कबर्ड सेट कर दिया। ये पहने इस मैंगो की गाइस, मैंगो की, ये मैंगो की टी शर्ट है गाइस। ये मेरा सेट करवाया है मैंने, तो हमारे यहाँ खलारा मचा हुआ है। सो जस्ट इग्नोर इट एंड वी सी यू लेटर। वी आर रेडी, यू कैन सी, एंड नाउ वी विल मीट यू एट डायरेक्टली टू द वेन्यू। ये हमारी धन्नो है, ये हम है, और हम होली पार्टी में जा रहे हैं। स्टेशन में पहुंच गए हैं। शी इज गेटिंग सो ऑकवर्ड, आई डोंट नो, बट यहाँ बहुत सारे बॉयज हैं ओनली, एंड हमें आइडिया नहीं हो रहा है कि इवेंट होने किधर वाला है। मुझे घर जाना है। और गाइस हम आपको बता दें कि अच्छा हुक्का वगैरह भी जा रहा है गाइस, इट्स हैड लॉट्स ऑफ इंतजाम। ये है वो कलर ऑफ देहरादून होली फेस्ट, होली गुलाल आ गया गाइस। गाइस अभी टिकट मिलने में टाइम है, हम टाइम से पहले पहुंच गए हैं, कैन यू इमेजिन? या मैंने बोला था थोड़ा लेट आओ। एंड ऑल्सो यहाँ पे गाइस लड़के इतने सुंदर सुंदर कपड़े बाल खोल के ब्लो ड्राई करके आ रखे हैं, और हम देखो हम तेल चपोड़ के आ रखे हैं। हम कभी ये जवानी ये दीवानी ये जवानी है दीवानी रिक्रिएट नहीं कर सकते गाइस। कल किसके पास है इतना पैसा? So, I don't have money as well. मतलब literally थोड़ा मैं लाई हूँ, थोड़ा ये लाई है, थोड़ा हमने किसी से मांगा है, तब जाके हम अंदर जाना है, पहुंच कर पा रहे guys. Never mind with our गरीबीज। पता नहीं ये इतनी awkward क्यों हो रही है, they are high maintenance girl, you know, high standard. इनकी वजह से नहीं हो रही मैं awkward. क्यों हो रही है फिर? I don't know. Never mind. इतने कम. So guys, मैंने bargaining करी है, and I got it in 600. 800 का टिकट 600 में लगाई। They are so lovely, cute guys. These are the food stalls. चाट पकौड़ी कलर है नौला। अभी सेट नहीं हुआ अच्छे से, हम कुछ ज्यादा ही अर्ली बर्ड है ना, बाहर भी है गाइस यहाँ पे। तो ये वाला एरिया है, बट ये बिल्कुल तैयार नहीं है, इन्होंने जिस टाइम पे बोला था उस हिसाब से बहुत डिले पे चल रहा है। ओह, यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं, उनको अलग से फ्री पास मिले, वो भी नो वन नो देम। मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ ना गाइस, बट कोई अभी जानता नहीं है मुझे, घमंड नहीं कर।
करती ना मैं। ये सारे इसके पार्टनर हैं और हम इसके कोई भी पार्टनर नहीं है। Because we paid for all of this. Beach boring and guys, it's very boring. It's boring. Nothing is happening over here right now. So, I will show you beautiful flowers, okay? कितने प्यारे प्यारे flowers हैं यहाँ पे। ये फूलों की होली खेलने पिंकी। We can't afford that. ये तो रही फूलों। होली है। है बुरा ना मानो होली है। होली कब शुरू होगी? अच्छा आगे guys. People are coming. के लिए टोकन लेना पड़ेगा 200 रुपए की गोलगप्पा टिक्की 200 रुपए की टिक्की 200 रुपए की टिक्की 100 रुपए का गोलगप्पा और इन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि फूड और ड्रिंक्स मिलेंगे तो ये तो लिखो कि पैसे में मिलेंगी ये थॉट कि इस पास में मिल जाएगा तो उस हिसाब से तो बहुत महंगा है वेरी कॉस्टली बाहर जाके वो मोमो खाना पड़ेगा 40 रुपए वाला आई चेक द एस्थेटिक ऑफ द बाथरूम I don't know what this sofa is doing here and what is this doing here. उन्होंने मेरे आँख में डाल दिया था, so I came here to wash it off. Wee, पीले फूल लग रहे हैं. Guys, they don't have any other color. They have only yellow color. I don't know why they only had yellow. They can have a little bit of pink and green as well. Blue भी अच्छा लगता. And देख सकते हो आप vibe, यहाँ की vibe. So unique. पिंकी तो भूत लग रही है ओनली येल्लो उसमें एंड दिस इज द वॉशरूम एरिया तो पार्टी शुरू ही नहीं हो रही यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई आई पे लॉट्स ऑफ मनी फॉर इट आई थिंक जब पानी पड़ेगा तब हो जाएगा कुछ अभी कुछ वाइब ही नहीं आ रही है लोग ही नहीं है गाइस क्या हो रहा है इतना पैसा मैंने इसीलिए दिया है लेडीज एंड जेंटलमैन आर यू रेडी We finally came out. It started like very boring. फिर उसके बाद now it's very great. We had lots of fun. We also made a good friend as well. वो वहाँ पे हैं वो जा रहे हैं आई थिंक सो कहीं तो हैं जूम नहीं हो पा रहा मेरे फोन में एंड वो चले गए और अब हमें ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री खाना मिला तो अब हम डैश पॉइंट पे जाएंगे अपने पुराने अड्डे पे कुछ पेट पूजा करने के लिए हमारे बजट में
एंड आई कैच यू ओवर देयर. मेरी बैटरी लो है एज यूजुअल, आईफोन दिक्कत. एंड हमारे थोबड़े ऐसे लग रहे हैं हम जैसे भी आए थे. दे दिया इतने जल्दी. व्हाइट सॉस पास्ता और चीज बर्गर. ओके हमारा खाना थोड़ी देर में आ जाएगा. यहाँ हम 220 में खा रहे हैं पास्ता और बर्गर, और वहाँ 200 का गाइस सिर्फ एक गोलगप्पा. और गोलगप्पा था गोल या टिक्की थी? टिक्की एक ही थी आई थिंक सो, जिससे हमारा कुछ भी नहीं होता. तो भूत लग रही है. एंड मेरी बैटरी 1% है आई थिंक सो. इसके आगे का ब्लॉग मैं इसके फ़ोन से कंटिन्यू करूँगी. उसका कैमरा थोड़ा तो आप थोड़ा डील कर लेना. विद माय ब्यूटीफुल कैमरा एंड हमारा पास्ता आ गया है. हाउ इज इट? हाउ अच्छा. आई डेफिनेटली रिकमेंड यू डैश पॉइंट इफ यू लिव इन देहरादून. इट्स इन काइन काइन हंटागर. अगर आप सब कुमार से चौक के बगल में अमेजिंग फूड अमेजिंग प्राइस यू वुड लव इट. हमारा बर्गर हमने इसको दो पार्टीशन में डिवाइड करा दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है. यू कैन सी इट. ये बोल रही मेरा बड़ा है. बस कहाँ है बड़ा? बड़ा नहीं है. सिबलिंग प्रॉब्लम गाइस. अरे वो चीज़ बड़ा आया है मेरे पे. बस साइज सेम है. स्केल लेके गाइस डैश पॉइंट आप विजिट कर सकते हैं. यहाँ पे कासंग और कुमार के बगल जा रहे हैं घर. और अब हम आपको मिलेंगे नहा धो के सुंदर अच्छे सुशील बन के घर पहुँच के. बिकॉज हमें बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है अब. किच 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 किच. तो हम आपको अब घर पे मिलेंगे नहा धो के सुशील बच्चे बन के. ओके बाय. यस मिट्टी की होली खेल रहा गाइस यहाँ सब. हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी और अब हम जा रहे हैं होलिका दहन देखने. पिछली बार हमारा छूट गया था. होप सो इस बार ना छूटा हो. सो वी विल सी इट. सो दिस इज द होलिका ऑफ आवर एरिया. यहाँ पे लोगों ने पूजा कर रखी है बट हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या करते हैं. एंड अंदर खाना लगा हुआ है. Let's check what is happening. Aja. खाएंगे हम डोनेशन लिखाएंगे. एंड ये हमारी बहन है. गेस्ट आया है होली फंक्शन अटेंड करने के लिए. देखो तंदूर लगा हुआ है. वहाँ तो होली का दहन हो गई पर हमारे यहाँ कब होगी? यहाँ तो फंक्शन चल रहे हैं. पिंकी दीदी ये हमारी. अगर आपको फंक्शंस देखने हैं तो मैंने पिछले साल के व्लॉग में डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं. और मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नाचते हैं यहाँ लोग. पर हम तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम दुकान से ज़रा कलर वगैरह ले लेते हैं क्योंकि हमने लिए नहीं हैं. हमने कर ली है शॉपिंग और अब हम खरीद रहे हैं खाने का सामान. तो इससे हमारा पेट भर जाएगा बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा.
सामान भूल गए थे, पे कर दिया। हाँ भाई कर दिया। चलो बाय बाय। मैं ये बोल रही थी कि हम लोगों का पेट खराब ना हो इसीलिए हम कटोरी खा रहे हैं। हाँ जैसे बहुत कुछ खा लिया, जैसे आ जाए कुछ नहीं खाया हमने गाइस, और पेट कैसे खराब होगा, तो पेट कैसे खराब होगा, पहले से खराब है ना मेरा। क्या किया दीदी आपने? क्या था ये? बंदी ने अभी दिया जलाया है नकली मुंगली का, आप शॉर्ट्स में देखना ये। हम जा रहे हैं घर क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे एंड हमें पता चला है 11:13 से शुरू हो रहा है, 11:13 का मुहूर्त है रात के, तो वो तभी होलिका दहन करेंगे। दे आर सो पक्का विद मुहूरत, तो इस बात तभी उन्होंने पिछली बार 6:15 का था तो 6:15 पे कर दिया था उन्होंने होलिका दहन। सिद्धांत वाले लोग हैं भाई। तो हमने कहा हम जाते घर और हम 11:00 आएंगे। भूख लग रही है थोड़ी सी, मैगी खाते हैं। हाँ, और मैगी खाते हैं और आपको मिलते हैं नहीं मिलते भगवान जाने, मिलते हैं कि नहीं मिलते, पर बाय। Much, much, much later. Legit amount of weed. Cheers. हमने मैगी खा लिया गाइस। दीदी ले रही है खाना। ये है लाइन। भूख लगी हमको। खाना पूरी अभी आ रही है। ये वेज कॉर्नर है, ये नॉन वेज कॉर्नर है एंड सायोनारा गाइस। 2000 years later. फाइनली होली का दहन हो रहा है 12:00। मेरी आंखें तरस गई थी ये देखने के लिए। फाइनली इट्स हैपनिंग। माय गॉड मेरा सर चकरा गया। इतने सारे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैं कभी नहीं रुकती इतनी देर तक, बट व्लॉग के लिए मुझे रुकना पड़ा। क्या क्या करना पड़ता है व्लॉग के लिए, बहुत बेकार भला। मैं तब यही सोच रही थी अगर हम व्लॉगर नहीं होते। समटाइम आई फील मतलब मैं कभी नहीं रुकती इतने देर, लिटरली कभी भी नहीं। बट मैं इसीलिए रुकी क्योंकि मुझे होलिका दहन का व्लॉग डालना था। क्यों? आप लोगों के लिए। और आप उसमें दोगे 200 views। 200 views भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते मेरे। जिंदगी कष्ट में है यार, फिर भी हम मस्त में हैं। मैं कल दिवाली में गॉड मुझे नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू डोंट लाइक इट आप तो प्लीज डिसलाइक माय व्लॉग। एंड क्या करोगे आप? और हाँ, और रिपोर्ट मार दो। कल के व्लॉग में जरूर आना गाइस, कल मेन होली है। बाय।